नमस्कार। तारानगर के मुस्लिम महासभा द्वारा तारानगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 101 पौधे लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभा के प्रदेश अध्यक्ष यूनुस पठान ने बताया कि मुस्लिम महासभा द्वारा चार चरणों में 501 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो चार चरणों में पूर्ण होगा, जिसमें आज प्रथम चरण में SDM मोनिका जाकर, IRS इनकम टैक्स अधिकारी देवेंद्र चौधरी, थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फलदार, फूलदार व छायादार एवं औषधीय पौधे लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। आगे के तीन चरणों में कब्रिस्तान, ईदगाह सहित धार्मिक जगहों पर पौधारोपण किया जाएगा। इस मौके पर सभा के नगर अध्यक्ष राजादीन खान, प्रभारी इमरान हिसारिया, उपाध्यक्ष आजम दुहार, सरवर अली, प्राचार्य देवकरण सिंह सहित सभा के कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। आज हमारी मुस्लिम महासभा ने पौधारोपण का लक्ष्य रखा, जिसमें हम 501 पौधे लगाएंगे, जिसके पहले चरण में हमने 101 पौधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में लगाए, जिनमें हमारे उपखंड अधिकारी मोनिका जी जाखड़ और IRS अधिकारी देवेंद्र जी चौधरी और थाना अधिकारी गोविंद राम जी और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल देवकरण जी और मेरे मुस्लिम महासभा टीम के सभी साथीगण, इन्होंने पहले चरण में 101 पौधे लगाए और बाकी चार चरणों में हम 501 पौधे लगाएंगे। आज तारानगर मुस्लिम महासभा द्वारा तारानगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 101 पौधे लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुस्लिम महासभा द्वारा 101 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको चार चरणों में पूरा किया जाएगा। उक्त पौधारोपण के तहत ईदगाह, कब्रिस्तान, धार्मिक जगह, बालाजी जोड़ा जैसे स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा। आज हमने फलदार, छायादार, फूलदार पौधे लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम में SDM मोनिका जाखड़, IRS अधिकारी देवेंद्र जी चौधरी व थाना अधिकारी, तारानगर थाना अधिकारी गोविंद जी बिश्नोई ने पौधारोपण किया।